आज दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी टोल पर घंटों जाम रहा। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया वहां। बीजेपी ने मांग की है कि डीएनडी टोल को टोल फ्री किया जाए। डीएनडी यानी दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क को टोल फ्री करने के लिए बीजेपी ने बुधवार को टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान डीएनडी पर लंबा जाम लग गया, इस वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। बीजेपी लंबे समय से डीएनडी को टोल फ्री करने की मांग कर रही है। डीएनडी टोल के मौजूदा टैरिफ के मुताबिक एक बार डीएनडी से गुजरने पर बाइक के लिए 12 रुपए देने पड़ते हैं और कार के लिए आपको 28 रुपए चुकाने पड़ते हैं, जबकि बस और ट्रक वालों को डीएनडी से एक बार गुजरने के लिए 85 रुपए चुकाने पड़ते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो डीएनडी को टोल फ्री करवा कर ही दम लेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में ज्यादातर बीजेपी के स्थानीय नेता शामिल थे, जिनकी अगुवाई बीजेपी की नोएडा की विधायक विमला माथम कर रही थी। और अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का क्या कुछ फायदा मिल भी पाता है।